इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एक बंजर पड़ी हुई जगह हो, एक खाली पड़ा तालाब या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भरी हुई जमीन, सब कुछ बदल जाता है एक हरे भरे फॉरेस्ट में। तो शुरू करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से, जो कि है ग्रेजुअल एंड सिक्वेंशियल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया ओवर टाइम इज कॉल्ड सक्सेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये एक बेयर रॉक है। अब इस पे सबसे पहले लाइकेंस आके ग्रो करने लगते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ वहाँ पे मॉसेस आ जाते हैं, और फिर विद द टाइम वहाँ छोटे छोटे ग्रासेस एंड वीड्स ग्रो करने लगते हैं, और ऐसे ही एक के बाद एक बेटर स्पीशीज आते आते वहाँ ग्रो होता है एक लार्ज डेंस नॉन रिप्लेसेबल फॉरेस्ट। अब यहाँ एक के बाद एक जो स्पीशीज कंपोजिशन में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, इसी का नाम है सक्सेशन। तो चलो अब इसमें आने वाले कुछ टर्म्स भी देख लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले जिस कम्युनिटी ने उस बेयर एरिया को एक्वायर किया, उसे हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। आफ्टर ऑल द कम्युनिटी, जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी उस एरिया में ग्रो कर रही है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इन दोनों के बीच की सारी कम्युनिटीज को हम ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं। तो पूरे प्रोसेस में पायनियर कम्युनिटी हुए लाइकेंस, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हुए मैपल फॉरेस्ट, एंड ट्रांजिशनल कम्युनिटी हुए ये बीच के सारे बजरबट्टू। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीरीज ऑफ कम्युनिटीज है, इसको हम शेयर कहते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज। और इनमें से अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठा लो तो उसको हम बोलेंगे सेरल कम्युनिटी। अब सक्सेशन तो हम समझ गए, पर किस जगह पे सक्सेशन हो रहा है उसके बेसिस पर दो टाइप के सक्सेशन हैं, एक ज़िराक सक्सेशन और एक हाइड्राक सक्सेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ज़िराक सक्सेशन ड्राई कंडीशंस में होता है और हाइड्राक सक्सेशन वेट कंडीशंस में। अब ज़िराक सक्सेशन के अंडर अगर सक्सेशन सैंड पर हो रहा है तो सीरल स्टेजेस को हम सेमोसियर बोलते हैं, और अगर बेयर रॉक्स पर हो तो उन्हें हम लिथोसियर बोलते हैं। ये वही है जो हमें सक्सेशन के नाम पे हमेशा पढ़ाया जाता है। नाउ हाइड्रा सक्सेशन के अंडर सीरल स्टेजेस को हाइड्रोसियर बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में इसके सीरल स्टेजेस से पूछे जाते हैं। तो ज़िराक सक्सेशन में यहाँ से यहाँ तक जाने में मोस्टली सीरल स्टेजेस होते हैं, लाइकेंस मॉसेस हर्ब श्रब्स एंड देन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। जबकि हाइड्राक सक्सेशन में शुरुआत होती है एक खाली पड़ी वाटर बॉडी से, जिसमें ग्रो होते हैं कुछ फाइटोप्लैंकटन, और फिर आती है सबमर्ज प्लांट स्टेज। फिर वाटर की सरफेस पे ग्रो होते हैं कुछ प्लांट्स जो कि नीचे वाली सरफेस तक लाइट नहीं पहुंचने देते, इसे कहते हैं सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज। नीचे वाली सरफेस पे सनलाइट ना पहुंचने के कारण नीचे वाले सारे प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, और वहां पे होने लगता है डिपोजिशन, जिसके कारण ग्राउंड लेवल ऊपर आने लगता है और बनाता है रीड स्वैम्प स्टेज, देन मार्श मैडो स्क्रब स्टेज, एंड फाइनली क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। अब प्रैक्टिकली तो तुम पूरे सक्सेशन को पढ़ चुके हो, बट थियोरेटिकली सक्सेशन बना होता है 6 सब प्रोसेसेस से, जिसमें पहला प्रोसेस आता है न्यूडेशन। राजा जी, अबे वो नहीं है। तो अब तक पूरी वीडियो में हमने पढ़ा कि सक्सेशन की शुरुआत हर बार एक बेयर एरिया पे हो रही थी, चाहे वो एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो। तो जब वो बेयर एरिया ही नहीं होगा तो सक्सेशन क्या घंटा होगा? दैट मीन्स द क्रिएशन ऑफ दैट बेयर एरिया ऑन विच सक्सेशन विल अकर इज कॉल्ड न्यूडेशन, यानी उस बेयर एरिया का बनना ही न्यूडेशन कहलाता है। अब खाली पड़े एरिया पे सक्सेशन शुरू करने के लिए पायनियर स्पीशीज का आना ही माइग्रेशन कहलाता है। मैडम ने स्टेटस में सिंगल लिख रखा है तो वहाँ रिक्वेस्ट भेज के माइग्रेट तो होगे ना। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एस्टेब्लिशमेंट। मान लो पायनियर स्पीशीज वहाँ आ तो गई, लेकिन आने के बाद ही चल बसी, तो क्या घंटा सक्सेशन हो पाएगा? वहाँ रहने के लिए उसको ग्रो करना पड़ेगा, उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वहाँ पर एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। प्रोसेस है कंपटीशन। अब पायनियर स्पीशीज ने उस खाली पड़े एरिया में रिसोर्सेस क्रिएट कर दिए, तो अब वहां पे जगह भी है, स्पेस भी है, रिसोर्सेस भी है, न्यूट्रिशन भी है, तो सारे के सारे लोग यानी ऑर्गेनिज्म भागेंगे उस जगह को एक्वायर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंपटीशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज रिएक्शन। मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मुझे अपने घर के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा, जितनी जगह है उसमें रहना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने घर को भी तो अपने हिसाब
हिसाब से बदलूंगा जैसा मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी तरह से जो सीरियल कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से तो अडेप्ट होती ही हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वो अपने एनवायरनमेंट को, वो अपने हैबिटेट को भी अपने हिसाब से चेंज करती हैं, उनको बदलती हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिएक्शन। लास्ट प्रोसेस इज स्टेबलाइजेशन, जिसकी हेल्प से बनती है एक ऐसी स्टेबल कम्युनिटी जो बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है, बहुत लंबे टाइम तक डिस्टर्ब नहीं होती, एंड उसी कम्युनिटी को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब सारा सक्सेशन समझने के बाद अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर सक्सेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यहाँ जाओ, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने सारा कंटेंट डाल रखा है। और अगर सक्सेशन के दो मेन टाइप प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देख लो, वरना बोर हो गए हो तो नीचे वाली वीडियो देख लो। ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।